हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हसबी जायका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। सो आज की हमारी रेसिपी है पकराई स्पेशल, दैट इज़ फेफसा फ्राई एंड तिल्ली फ्राई। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी, बट खाने में है उतनी मज़ेदार। सो लेट्स स्टार्ट। हमने फेफसा एंड तिल्ली को बॉईल कर लिया है। फेफसे को मैंने कुकर में ऐड करके थोड़ा सा हल्दी एंड नमक ऐड किया है और उसमें एक गिलास पानी ऐड कर हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसे बॉईल करने में अराउंड 20-25 मिनट्स लगते हैं। एंड तिल्ली को हम अलग से बॉईल करेंगे। तिल्ली को हमने अलग से छोटे बर्तन में बॉईल किया है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 2 चम्मच भर के ऑयल ऐड करेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें हमारा बॉयल फेफसा एंड तिल्ली ऐड कर देंगे। इसमें मैंने गुर्दा भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें कलेजी भी ऐड कर सकते हैं, आपके मन के हिसाब से, आपको जो भी ऐड करना हो। इट टेस्ट रियली गुड। हम इसे फ्राई करेंगे। इसका पानी हमें पूरा सुखा लेना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड नमक हसबी जायका। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से फेफसे एंड तिल्ली में मिक्स हो जाए। That's it. See, so simple and very very tasty. मिक्स करते करते इसे स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे हम फॉर अराउंड 1-2 मिनट्स ताकि हमारे मसाले का कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 होल लेमन जूस। एक मीडियम साइज का लेमन मैंने लिया है, उसका पूरा जूस हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड फाइनली हमारा लास्ट स्टेप, हम इसमें फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया ऐड करेंगे एंड गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। दैट्स इट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैं इसी तरीके से तिल्ली फ्राई, फेफसा फ्राई, कलेजी फ्राई भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब इसकी फाइनल प्लेटिंग करते हैं। सो ये देखिए माशाल्लाह, हमारा फेफसा फ्राई, तिल्ली फ्राई रेडी है, रेडी टू सर्व। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। गरम बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, विद सम लेमन एंड ऑफकोर्स अगर आपको पसंद हो तो ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है। सो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है विथ वेरी मिनिमम मसाला। बहुत ही टेस्टी लगता है। सो ज़रूर इसे ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।